गाइस वेलकम टू माय चैनल पूनम ब्यूटी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ योगर्ट फेस मास्क, जो कि आपके स्किन को ब्राइट करेगा, नरिश करेगा और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए 3 प्रोडक्ट्स, जो कि तीनों ही नेचुरल प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी, दूसरा योगर्ट, ये प्लेन योगर्ट है, और तीसरा ये एलोवेरा जेल। आप चाहें तो एलोवेरा जेल घर में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बट यहाँ मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन तीनों के बेनिफिट्स के बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको योगर्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है, सॉफ्ट बनाता है और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। दूसरा फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारे डेड सेल्स को रिपेयर करती है, और ये अपने आप में ही एक अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट भी है, जो कि नेचुरल है बहुत ही ज़्यादा। और तीसरा एलोवेरा जेल, जो कि जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि फेस पे एक्ने और एक्ने की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है और फेस की स्किन को काफ़ी हद तक हाइड्रेट भी करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खाली बॉल लेंगे, जिसमें कि हम 3 चम्मच योगर्ट डालेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे, और उसके बाद हम 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये बिल्कुल मिलना जाए एक दूसरे में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये काफी हद तक मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अपने फेस पर लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है साफ पानी से, काफी अच्छे से। अब हम इसको लगाएंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे ब्रश की मदद से लगाऊंगी। फ्रेंड्स, जब भी हम फेस मास्क लगाते हैं तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लगाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं आप कि ये फेस मेरे फेस पे पूरी तरीके से लग चुका है। और फेस मास्क लगाते वक्त हमेशा याद रखें कि आप अपने नेक एरिया को कभी भी अवॉइड ना करें। तो ऐसे हम अब नेक एरिया पे भी लगा लेंगे। इसकी ना ही ज्यादा मोटी लेयर और ना ही ज्यादा पतली लेयर लगाएं, एक ठीक सी लेयर लगाएं, जो कि ना ज्यादा थिन हो और ना ज्यादा ही थिक हो। अब आप देख सकते हैं ये पूरा हो चुका है। अब बस इसको, जब तक ये सूख ना जाए तब तक इसको रखना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं धीरे 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 सूख रहा है। बस जैसे ये पूरा सूख जाएगा मैं इसको वॉश कर दूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब ये पूरा सूख चुका है, अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं आपको इसे पोंछ लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे फेस पर किस हद तक ग्लो आ गया है। और आप चाहें तो इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जॉनसन बेबी लोशन एज अ मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं, और कोई भी मतलब माइल्ड मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं, जैसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं ऐसी।
और आपको आगे भी जानकारी देती रहूँ स्किन प्रोडक्ट्स के बारे में, और हिट द बेल आइकन ऑल्सो ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।